हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह आपके समक्ष एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी वीडियो आज प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। फ्रेंड्स, बहुत इजी और बहुत छोटा सा ये अपडेट है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा 10 मिनट में इसको देख लें और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, ये चैनल पर पहली बार हो तो अपने चैनल में आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट चांस यदि आप आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे सारे अपडेट जो भी हैं आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अब बिना देर किए हुए आप मेरे साथ जुड़ें, अटेंटिव हों और देखने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों और क्या हमने समझाया कि आपके लिए उपयोगी वीडियो होने जा रही है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज कीजिए मैं आपके समक्ष एक वाक्य रखता हूं, क्या आप जानते हैं कि रामू बहुत ईमानदार है? क्या आप जानते हैं कि रामू बहुत ईमानदार है? समझ रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि श्याम अपने कक्षा का टॉपर स्टूडेंट है? क्या आप जानते हैं कि मीना अपने गांव में सबसे सुंदर है? फ्रेंड्स, यदि ऐसे वाक्य आपको पढ़ने हों तो हम कंफ्यूज करते हैं कि आखिर इसको हम किस वे में एक्सप्रेस करें, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आप देख रहा हूं कि क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, यह इंट्रोगेटिव का वाक्य है। दूसरा वाक्य किस शब्द से जुड़ा हुआ है, किस शब्द इसको जोड़ रहा है? कनेक्टर है कि दूसरा है रामू बहुत ईमानदार है, यह इंट्रोगेटिव का वाक्य है और यह अफर्मेटिव का। एक ही वाक्य में अफर्मेटिव एक तरफ है और दूसरी तरफ इंट्रोगेटिव। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखेंगे कि किस शब्द जो करेक्टर है उसके लिए हम उसको कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन करना है, क्या आप जानते हैं? ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसलिए हम लिखेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर इस की अंग्रेजी लिखी जाएगी दैट, तो डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं कि रामू बहुत ईमानदार है। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल वे में है, अफर्मेटिव का वाक्य है तो इसको हम सिंपल में ही ट्रांसलेट कर देंगे, रामू बहुत ईमानदार है, दैट रामू इज वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोग हानेस्ट को हानेस्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अ का उच्चारण यच का, यह साइलेंट है इसलिए आप हानेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट ही पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्ट, रामू इज वेरी ऑनेस्ट। इस वाक्य में आपने क्या देखा कि जो इंट्रोगेटिव में है उसको हम इंट्रोगेटिव बना देंगे, डू यू नो की के लिए अंग्रेजी लिखेंगे दैट और रामू इज वेरी ऑनेस्ट, डू यू नो दैट रामू इज वेरी ऑनेस्ट। इसी तरह से यदि मैं आपसे कहूं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि, इसके बाद क्या जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ दीजिए, क्या आप जानते हैं कि श्याम बहुत धनी है? क्या आप जानते हैं कि श्याम बहुत धनी है? तो यहां आप कैसे बनाएंगे, वही इजी कॉन्सेप्ट, डू यू नो की के लिए आप लिखेंगे दैट। यहां पर आपको ध्यान यही देना है कि सबसे पहले क्या आप जानते हैं के लिए लिखना है हमें डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि के लिए लिखेंगे दैट श्याम बहुत धनी है, दैट श्याम इज वेरी रिच। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं आपसे कहूं, क्या आप जानते हैं, चलिए इस बार चेंज करता हूं,
आप नोट कीजिए, क्या वह जानता है कि पृथ्वी गोल है? क्या वह जानता है? यहां पर आपको मेरे साथ जुड़ना है अभी। आप तो क्या तुम जानते हो, डू यू नो लिखा करते थे, लेकिन फ्रेंड्स यहां इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि क्या वह जानता है? क्या वह शब्द बता रहा है कि क्या वह जानने के लिए जो भी बात हो रही है तो वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ही, तो यहां डू का प्रयोग नहीं होगा बल्कि डज लगेगा, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या वह जानता है, यहां पर आपको जोड़ना है डज ही नो। के लिए लिखेंगे दैट पृथ्वी द अर्थ इज गोल के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स रावण डू यू नो। यदि होता क्या तुम जानते हो तो आप लिखते डू यू नो, लेकिन यहां है क्या वह जानता है, डज ही नो दैट पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। यहां पर फ्रेंड्स द शब्द जो है ये आर्टिकल है, जैसा कि मैं आपको टॉपिक में लेक्चर दे चुका हूं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो इसी आर्टिकल के क्रम में डिटेल मैंने आपको पढ़ाया, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, द आर्टिकल है और यहां पृथ्वी के पहले द का प्रयोग होना मस्ट है, इसलिए द का प्रयोग किया गया। तो डज ही नो दैट द अर्थ इज राउंड, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, क्या वह जानता है? तो फ्रेंड्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे वाक्यों को आप बहुत इजी वे में आपको देख लेना है। इसी तरह से मैं आपसे यदि पूछूं कि क्या हरि जानता है, क्या हरि जानता है कि उसका मित्र एक कवि है? नोट कीजिए, क्या हरि जानता है, क्या हरि जानता है कि उसका मित्र एक कवि है? अब फ्रेंड्स यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्या वह जानता है, तो आप क्या के लिए लिखेंगे डज, फिर हरि जानता है, हरि जानता है कि आप लिखेंगे नो, डज हरी नो की के लिए जोड़ेंगे आप दैट, डज हरी नो दैट उसका मित्र एक कवि है, दैट के बाद उसका मित्र मीन्स हिज फ्रेंड इज अ पोएट। फ्रेंड्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, यदि आप क्या वह जानता है तो डज ही, क्या आप जानते हैं डू यू, क्या तुम जानते हो फिर भी डू यू, तो सेंस के अनुसार सिंगुलर का है तो आप डज, प्लूरल का है तो डू, जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बेसिक सब्सक्राइबर भी जानते हैं इसको। फ्रेंड्स जो हमारे बेसिक रीडर हैं ये सबको पता है, तो डज डू का प्रयोग करते हुए की के लिए हम दैट सब जोड़ेंगे और बाकी वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस में बना देंगे। तो ऐसे इजी कॉन्सेप्ट से आप जुड़े रहें और ये बहुत ही इजी और सिंपल वे में इसका ट्रांसलेशन होना है, इसमें आप घबराएं नहीं। एक ट्रांसलेशन आप होमवर्क के रूप में नोट करें, क्या तुम जानते हो, नोट कीजिए, चलिए, क्या तुम जानते हो कि चीनी मीठी होती है? क्या तुम जानते हो कि चीनी मीठी होती है? फ्रेंड्स इस ट्रांसलेशन को हम आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप इसको ट्रांसलेट जरूर करें और ऐसे वाक्यों को आप प्रैक्टिस इतना स्ट्रांग बना लें कि जब कभी भविष्य में आपको ऐसे वाक्य बोलना हो तो आप बिल्कुल बेहिचक अपने वाक्यों को मजबूती के साथ प्रकट कर सकें, आपको कोई हिचकिचाहट ना। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आपसे लेते हैं अलविदा और सब्सक्राइब शेयर और लाइक के लिए करते हैं रिक्वेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।